अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वेल्थ एंड मोर। ये वीडियो में हम बात कर लेते हैं ओकाड फार्मा और बायकॉन इस स्टॉक के बारे में। ओकाड फार्मा, उन्होंने अभी रिसेंटली एक राइट्स इशू ये किया था, यहाँ पे लॉन्च किया था, जो 225 रुपीज़ पर शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यहाँ पे और स्टॉक बाय करने का यहाँ पे चांस था यहाँ पे। तो ये स्टॉक अराउंड 400 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया करता था। आप देखते हैं कि यहाँ पे ये मल्टीपल बार ये 400 के लेवल पे सपोर्ट कर रहा था, और यहाँ पे देन ये स्टॉक रैली होके अराउंड यहाँ पे जा रहा था, अराउंड 600 या 700 के लेवल पे, यहाँ पे या 550 का एक जो यहाँ पे जोन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे जो के लेवल आता है 550 का। ओके, तो ये स्टॉक ऐसे जोन में ट्रेड कर रहा था, उसको ऑल टाइम हाई तो 1200 के ऊपर है, तो बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है स्टॉक। वन लाइन में स्टॉक नीचे आ गया था, जब उसने ये 400 का सपोर्ट तोड़ा यहाँ पे, तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था उसके बाद में यहाँ पे, क्योंकि ये राइट्स इशू इस प्राइस पे लाया, तो वो प्राइस को एडजस्ट करने का ट्राई किया है, अराउंड 35% से ये स्टॉक गिर गया था यहाँ पे। तो अभी ये स्टॉक में हमको करना क्या चाहिए, ये देखो उसको अभी ये 388 का जो लेवल है जहाँ पे उसको सपोर्ट लिया करता था, अभी मैं उसको 400 बोल रहा था क्योंकि डेली चार्ट्स में वैसा प्राइस दिख रहा है यहाँ पे। ओके, बट एग्जैक्टली हम बोलेंगे यहाँ पे 388 का यहाँ पे लेवल है यहाँ पे, वो थोड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक को यहाँ पे। अगर आपने स्टॉक में अभी लिया है तो आपको 290 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी क्या होता है कि ये जब राइट्स इशू आया तो उसका फेयर प्राइस मार्केट उसको रिवार्ड करने का ट्राई करता है डेफिनेटली। अभी क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा चेंज हुए नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में ये स्टॉक नीचे आ गया था यहाँ पे। ओके, हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आ गया था ये स्टॉक, अभी थोड़ा रिकवरी हुआ है यहाँ पे और अभी बाय का सिग्नल भी जनरेट हुआ है, लेकिन आपको 288 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, बड़े बड़े वॉल्यूम्स में यहाँ पे बाइंग हुई है यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि आपको अगर ये स्टॉक में बाय करना है तो आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट अच्छा होना चाहिए। मेरा इसमें बाइंग है अराउंड 400 के लेवल्स के अराउंड बाइंग है इसमें। तो अभी मैंने कुछ एवरेज वगैरह किया नहीं है, राइट्स इशू में मैंने अप्लाई किया था और कुछ एडिशनल शेयर्स अभी लिए मैंने डिस्काउंट्स पे, बट अभी ये स्टॉक फंडामेंटली इतना बहुत स्ट्रांग नहीं है। कुछ मैनेजमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लगा मुझे, जो कि जो प्राइस अभी 400 के ऊपर चल रहा था और उन्होंने सीधा सीधा 225 पे ये राइट्स इशू निकाले, तो थोड़ा वो पैनिक हो जाता है मार्केट में डेफिनेटली, क्योंकि होता क्या है कि ये फेयर प्राइस को एडजस्ट करने का ट्राई करता है, क्योंकि ये जो 30% है वो कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पे। अभी कुछ भी स्ट्रैटर्जी नहीं है इसमें, ये स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक में बाय भी नहीं करना है और सेल भी नहीं करना है डेफिनेटली। ये स्टॉक को होल्ड किया मैंने डेफिनेटली, यहाँ पे कुछ बड़े टारगेट्स मुझे लगते थे यहाँ पे होगा, बट जिस तरीके से मैनेजमेंट ने अभी खुद को यहाँ पे बोला है कि 225 का आप ये कर लो, तो डेफिनेटली मैं एग्जिट हो जाऊँगा यहाँ पे जैसे ये ऊपर आ जाएगा ये स्टॉक को। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू तो है नहीं मेरा यहाँ पे। 550 हम देखते हैं कि 550 का एक उसको आ जाता है, 550 से अराउंड ये स्टॉक 400 के जोन में ट्रेड किया करता था यहाँ पे, ऐसा मैं ग्राफ निकालू तो 400 का जब उसने ब्रेकआउट किया, ये जो बॉक्स था यहाँ पे उसको जब ब्रेकआउट किया उसने, तो नीचे आ गया ये स्टॉक 30%। ओके, तो स्टॉप लॉस रख लो आप अगर आपने बाय किया है तो, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए नहीं है, तो ये स्टॉक में अभी भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि कंपनी के खुद ही लगता है कि उनका फेयर प्राइस 200 के अराउंड है, तो डेफिनेटली कोई 400 पे स्टॉक लिया है तो अभी काफ़ी लॉस में होगा। ये जो नेगेटिविटी है अभी थोड़ा इसमें सबसाइड होने में टाइम लगेगा। एक न्यूज़ है यहाँ पे, ये जो एस इन्वेस्टर है राकेश जिंजुला, उन्होंने 7% राइज हुआ है स्टॉक, उन्होंने 5 लाख शेयर बाय किए मार्च क्वार्टर में। डेफिनेटली ये मार्च क्वार्टर जब हम देखते हैं तो ये पूरा यहाँ पे पूरा लो पे ही था, ये स्टॉक अराउंड 200 के लेवल्स पे ही था। ओके, राकेश झुंझुनू ऑलरेडी इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली ऐसा न्यूज़ आएगा तो ये भागेगा, बट बड़े इन्वेस्टर्स के पास बड़ा अमाउंट होता है, आपको आपका स्टॉप लॉस लेके चलना है, आपको पता भी नहीं चलेगा बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे कब एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो देखो अभी प्रॉब्लम तो है इसमें, 388 को एक रेजिस्टेंस है, ये स्टॉक भागता भी वैसे, अगर जितना ऊपर जाता है वैसे भागता भी ये स्टॉक, तो ये स्टॉक को आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है 288 रुपीज़ का, 288 के नीचे आपको डेफिनेटली यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पे वेट करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो
नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे बायोकॉन। बायोकॉन एक ये स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है यहाँ पे। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे वीकली चार्ट यहाँ पे लगा तो आपको समझ में आएगा। देखो ये स्टॉक, ये जो उसका ये जो जोन है यहाँ पे 330 के अराउंड, उसको एक थोड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, मल्टीपल बार ये स्टॉक यहाँ पे ट्राई कर रहा था। ओके, ये जो उसके पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये स्टॉक ये 330 से लेके ऊपर आ जाता था यहाँ पे। 330 से अराउंड यहाँ पे ये ऊपर का रेंज तो नहीं कंसिडर करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे, ये जो जोन है यहाँ पे बॉक्स अगर निकालूँ तो अराउंड 410 का यहाँ पे एक रेंज आता है। तो ये जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी वीकली चार्ट है, आप सोचो कि कितने सारे वीक्स से, कितने सारे साल से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया नहीं और ब्रेकडाउन भी दिया नहीं है। 330 के अराउंड इसमें बाइंग होता है और ऊपर आता है स्टॉक और वहाँ से नीचे चला जाता है। अभी इसमें करना क्या है, देखो आपको यहाँ पे 340 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो इंडिकेटर मैंने लगाया है इसमें बाय का सिग्नल तो जनरेट हुआ है, और यहाँ पे 340 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि जो ये कैंडल का लो है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या ये बॉक्स में ट्रेड होगा। अभी मार्केट में पॉजिटिविटी, तो यहाँ पे 350 और 350 के ऊपर ही जब निकलेगा तो आप वहाँ से वैसे पोजिशनली आपको वैसा साइज एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर ये नीचे आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर से वो वही रेंज में ये फंस जाएगा। आप सोचो कि यहाँ पे कितने बड़े वॉल्यूम से इसमें सेलिंग हुआ है। 400 के ऊपर एक जब स्टॉक जब चला गया था तो बहुत वॉल्यूम से ये वाले शेयर में सेलिंग हुआ है। ऐसे कुछ फंडामेंटल्स में ज़्यादा बड़े चेंज हुए नहीं है, कुछ भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ चेंज हुए नहीं है। तो अगर आपको ये स्टॉक में अपने पोजिशन बनाया है तो आपको लाइक होल्ड करना है 400 के टारगेट्स के लिए। अगर आपको 330 भी आ जाता है, उसके नीचे भी जाता है, अगर आप रिस्क टेकिंग हो तो आप डेफिनेटली ये स्टॉक में होल्डिंग बना सकते हो। तो अभी मेरा कुछ होल्डिंग नहीं इसमें, बट डेफिनेटली ये 330 के अराउंड है, उसके नीचे मिलता है तो उसको धीरे धीरे अकोमलेट करूंगा। फंडामेंटल वाइज एज सच कुछ चेंजेस हुए नहीं है, तो आपको आपका रिस्क हिसाब से ही इसमें अलोकेशन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।